आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जेलेंस्की का दावा, युद्ध में यूक्रेन के 3,000 तो रूस के 20,000 सैनिक मारे गए। दो दिवसीय यूपी दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज काशी विश्वनाथ मंदिर का सपरिवार करेंगे दर्शन। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का करेंगे निरीक्षण। हनुमान जयंती पर सीएम योगी ने बधाई दी, कहा बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। मुर्तजा बासी की आज कोर्ट में होगी पेशी, गोरखपुर एसी जेएम प्रथम के कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम खाद कारखाना के पास निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोरधैया नाले का निरीक्षण करेंगे। वही शाम को आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। अगले दिन रविवार को सीएम योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी। तो आज से दो दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है और सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से बेहतर किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। तो जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार अब कम होती नजर आ रही है, जनजीवन लोगों का पटरी पर लौट रहा है, लेकिन एक बार फिर कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार कोरोना के नए मामले अब पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अकराबाद जा रही ऑटो सवार महिला से कुछ बदमाशों ने गैंग रेप और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। वह इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। जबकि इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मुठभेड़ में फरार हुए दो आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार महिला संबंधी अपराधों में कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जो कल रात महिला संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें तत्काल मौका मुआयना कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखते हुए अभियुक्त की पहचान की गई एवं उसके ऑटो को भी पहचान किया गया। आज अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब घेराबंदी की गई तो मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। वहीं मौके से जो दो अन्य संदिग्ध अभियुक्त फरार हुए हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। अभियुक्त थाना क्वारसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके खबर आगरा से है, जहाँ भीम नगरी के आयोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा की भीम नगरी में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान तेज आंधी के झोंके से लाइट का बड़ा स्टैंड मंच पर गिर गया। इस पूरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि जिस वक्त मंच पर लाइट स्टैंड गिरा, तब केंद्रीय राज्य मंत्री भाषण दे रहे थे। वह पूरी घटना में 5 से 6 लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं, उनमें पूर्व विधायक गुटियारी लाल भी शामिल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया और मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। घायल 7-8 लोग घायल हुए, उसमें
मौसम ख़राब होने के कारण मतलब कुछ मौसम तो ज़्यादा इतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन लाइट वाले की बहुत बड़ी कमी रही है। लाइट वालों की कुछ अधिकारियों की जिन्होंने ये मतलब यहाँ उनकी देखरेख में काम सही नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं स्टैंड का एकदम गिर जाना, और तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री भी स्टेज पर उपस्थित थे? अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता स्टेज पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, अगर वो कोई हादसा उनके साथ हो जाता क्यों? जी हादसा हो भी सकता, क्यों नहीं होता? इतना बड़ा हादसा हुआ अगर वो मतलब जो अगर वो भाषण दे रहे थे, अगर भाषण देने से मैं समझता हूँ अगर सीट पर अगर बैठे होते तो उनके साथ भी हो सकता था हादसा। जो यहाँ आयोजित कार्यक्रम में आंधी के कारण लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद और जब हवा तेज हुई तो एक ट्रस्ट जिस पे और लाइट्स लगी हुई थी वो गिरा मंच पे। मंच पे मौजूद चार लोगों को चोट आई है, चारों को अस्पताल भेजा गया है, उन जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इसमें कोई कैजुअल्टी भी है? अभी कैजुअल्टी की कोई सूचना नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। आगे जो भी इलाज के दौरान जो फर्दर जो प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत कराएंगे। भीमनगरी के आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए, वहीं स्टेज पर भीमनगरी में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। अचानक मौसम ख़राब होने के कारण जो लाइट का स्टैंड सामने रखा था, मौसम ख़राब हुआ उसके बाद से स्टैंड अचानक स्टेज पे जा गिरा, जिससे काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेज पर लोग भी मौजूद थे। जो स्टैंड गिरने के बाद बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, वो घायलों को फिलहाल अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। यहाँ पर भीमनगरी लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, लेकिन ये हादसा होने के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। गेट बिल्कुल प्रशासन ने बंद कर दिया है। अब देखने वाली बात ये हुई, क्योंकि आगरा में भीमनगरी में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार होता है? अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। खबर गाजीपुर से है, जहां शासन के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। जिले के हर ब्लॉक में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं कराने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। तो गाजीपुर में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ अलर्ट है, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जहां जनपद में 18 अप्रैल से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और सभी एडिशनल सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है, और 18 तारीख से सभी ब्लॉकों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक की गई है, और जो शासन के निर्देश हैं उन सभी के तहत कार्रवाई के लिए सभी विभागों को बताया गया। सर, जैसा कि शासन 100 दिन की जो कार्य योजना है वो शासन स्तर से सभी विभागीय उच्च स्तर से प्राप्त हो रहे हैं विभागों को। कुछ लोकल इशूज़ भी होते हैं, उसके लिए मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को, जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो हमारी लोकल इशूज़ हैं और जो पेंडिंग है जिसका डिस्पोजल किया जाना चाहिए, उसे भी 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित करें, जिससे हम लोग 100 दिनों के अंदर उसका निस्तारण। बरेली रेंज के एडीजी राजकुमार संभल जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां एडीजी ने संभल जनपद के नवीन पुलिस लाइन के नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद पुलिस चौकी के परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इसके बाद एडीजी ने पुलिस लाइन मंडी समिति में डीआईजी और एसपी के साथ स्मृति सभागार का भी उद्घाटन किया है। पुलिस लाइन में कई नए कक्ष का उद्घाटन किया गया है। ये क्राइम ब्रांच है और बैरक, इसके साथ साथ सभागृह मीटिंग के लिए और कर्मचारियों के रहने के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस निरीक्षक संबल ने कार्य किया है। ये सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा लगा मुझे। इन सभी कार्यों का आज शुभारम्भ हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। आने वाले दिनों में संभल पुलिस के जवान हैं, उनके रहने की व्यवस्था अच्छी रहेगी और जिससे उनके कार्य में भी
कमिश्नर लागू होने के बावजूद भी दबंगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला कर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। ताजा मामला कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र के पेचबाग का है, जहां युवक रोजा खोलने के लिए अपने घर जा रहा था। वहीं खड़े दबंगों ने जावेद निसार पर अभद्र टिप्पणी की। जावेद के विरोध करने पर दबंग शाहनवाज और सनीम ने जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। किसी तरह जावेद ने अपने घर में भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन दबंगों ने घर में घुसकर जावेद को बुरी तरह मारा। किसी तरह जावेद ने भागकर अपनी जान बचाई। का एक पारिवारिक मैटर हमने सॉल्व कराया था बहन बेटी का, उसमें जो है लोगों का दहेज के पैसे और जो है वो सब लड़की का दहेज वापस करना था। समझौते में बैठे थे कि लोग आए और आकर गाजी बकने लगे, घूर रहे थे हमने कि क्या देख रहे हो, गाजी बकने लगे, आगे मारने लगे। उसका शाहनवाज, उसका भाई सनी और उसका बाप और दो दोस्त थे उसके, उसने मारा और मेरी वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, लेकिन चैन गिर गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। शुक्रवार को खेले गए मैच में केन विलियमसन ब्रिगेड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दे दी, जहां सनराइजर्स टीम की जीत के हीरो युवा बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी रहे। राहुल त्रिपाठी ने महज 37 बॉल पर 71 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। बता दें कि जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य सनराइजर्स ने 13 गेंद और 60 विकेट बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। लखनऊ में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने एयरपोर्ट की फेंसिंग कराई। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है। आपको बताते चले कि किसानों और एयरपोर्ट की जमीन पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा था। वही SDM सरोजनी नगर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम दर्ज है। लोग रोके हैं, ये लोग नहीं मानते, फोर्स का सहारा लेके आज के दिन ये जो है अपना जो है वकीलों को भी बुला लिए। मैं भी पैसे से वकील हूँ भाई, आज ये भी बुलाए हैं 50 साल जो है 300 वकील है यहाँ पे। बलिया पेपर लीक मामले में 16 अप्रैल यानी कि आज बलिया बंद का आह्वान किया गया है। इसी पर BJP के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि बंद का समर्थन करें, क्योंकि न ईमान सुरक्षित है न संविधान सुरक्षित है, हर जगह बस भ्रष्ट अधिकारी है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें और अपने प्रतिष्ठान को, दुकान को और सबको बंद रखें और प्रमाणित किया जाए कि बलिया की धरती पर बहरिया विधानसभा क्षेत्र से भी व्यापारी और रायबरेली में ATM कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाला एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जिले में कई घटनाओं के बाद यहाँ की उचहार पुलिस ने प्रतापगढ़ के रहने वाले 4 युवाओं को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो अब तक रायबरेली समेत कई जिलों में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वही पकड़े गए शातिरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा और ATM कार्ड सहित 13,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। गलमऊ और लालगंज क्षेत्र से चोरी की गई थी, उनको भी बरामद किया गया है और ये सभी शातिर चोर हैं, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें से एक चोर जो कि गलमऊ क्षेत्र में मोटरसाइकिल मैकेनिक भी था, वो बड़ी सफाई से जैसे ही कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है उसको तुरंत खोल के कुछ देर के लिए अलग रख देता था, और उसके बाद जब कुछ दिन बाद उसकी तलाश बंद हो जाती थी तो उसका नंबर प्लेट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।